से आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे, जिला अस्पताल का हाल बताएंगे कि टॉर्च जलाया गया और उसके बाद इलाज किया गया है। खबर देखिए सामने आई है जिला अस्पताल की, जहां टॉर्च जलाकर इलाज किया गया है। बिजली कटौती से जिला अस्पताल में अंधेरा छा गया और उसके बाद जब इलाज करना पड़ा तो टॉर्च जलाई गई। कई घंटे तक इसी तरह से हालात बने रहे। वहीं PICU वार्ड में भर्ती बच्चों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मोबाइल की टॉर्च जलाई गई और उसके बाद इलाज किया गया। बिजली कटौती से जिला अस्पताल में अंधेरा छा गया। कई घंटे तक अस्पताल प्रबंधन ने जनरेटर ही नहीं चलाया। PICU वार्ड में भर्ती मरीजों की हालत बिगड़ रही है। वहीं मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज किया गया। अब देखिए जिला अस्पताल का ये हाल है और जो बैठे हैं परिजन वो भी, और जो मरीज है वो भी, सब हाथों से पंखा झलते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी कई जगह पर बहुत ज्यादा है और ऐसे में जिला अस्पताल का हाल है। देखिए अब यहाँ पर जो मरीज पहुंचते हैं, अब वो किससे परेशान होंगे, अपनी बीमारी से लड़े या फिर ये जो गर्मी लग रही है उनको, परिजनों को या मरीज को, उससे लड़े। कई तरह के सवाल हैं। अस्पताल बदहाल और व्यवस्थाएं देखिए किस तरह से हैं। बच्चों की हालत बिगड़ गई, मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज किया गया। ये भिंड की तस्वीरें हैं शासकीय अस्पताल का ये हाल है। ये देखिए किस तरह से सामने आए हैं जब मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज किया गया। शुभम, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। शुभम, क्या ये पहली बार है या हमेशा ऐसे ही होता है यहाँ पर? हाँ जी, बता दूं, यह हॉस्पिटल है जो प्रदेश में कई बार नंबर वन की कगार पर रहा है और अब HCU हॉस्पिटल की बहुत दुर्दशा सामने देखने के लिए मिल रही है। हालांकि कैबिनेट मंत्री ने कई बार फटकार लगाई है, कैबिनेट मंत्री, सांसद और भिंड विधायक ने कई बार फटकार लगाने के बाद भी भिंड का जिला चिकित्सालय जो इसके अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक कोई चीज को संज्ञान में लिया है। जी नहीं, तो फटकार तो लगाई गई है, जनरेटर क्यों नहीं चलाया गया, क्यों सुनते नहीं अधिकारी यहाँ पर? जी बता दूं, कई बार, पहली बार मामला नहीं है, ऐसा मामले कई बार आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो हॉस्पिटल स्टाफ है या मैनेजमेंट स्टाफ है उनसे कई बार कहने के बाद भी और कई बार जिला प्रशासन और कलेक्टर ने फटकार लगाने के बाद भी इनकी अभी तक आंख नहीं खुली है। लेकिन देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी कि इस पर कितनी कार्रवाई अधिकारी करते हैं या फिर इसी तरीके से संचालित होता रहेगा। जी तो कई बार इनको फटकार भी लगाई गई है, जनरेटर ना चलाने की वजह बताइए शुभम। जी बता दूं, जनरेटर की कई बार, हालांकि जनरेटर है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो इन लोगों का है मेन मुद्दा रहता है कहीं ना कहीं कि जो बचाने वाले का सिस्टम रहता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। लेकिन हालांकि CS इस मामले पे प्रशासन से बात की गई है, जो सिविल सर्जन है उन्होंने इस बात पर चुप्पी साधी है, कुछ कहने से मना कर दिया गया है। जी जो वायरल होगा और उसके बाद चुप्पी जो है वो बदलती है कि नहीं, बातचीत में नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए शुभम। तो अस्पताल प्रबंधन ने जनरेटर नहीं चलाया, इस तरह से लगातार हालात जस के तस बने हुए हैं। कई बार फटकार लगाई गई लेकिन उसके बाद भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं।